नमस्कार दोस्तों, गोल्ड स्टार समाना चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। मैं गुरदीप सिंह आज एक वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो आप देख रहे हो जी नोवो महिंद्रा 655 DI ट्रैक्टर, 4x4 यानी कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है गोल्ड स्टार के पास। जो कस्टमर का ट्रैक्टर, पहला ट्रैक्टर महिंद्रा नोवो पहुँचा है वो ये वाला जो आप देख रहे हो, AC कैबिन इंस्टॉल करने के लिए। और इसके फीचर्स तो आपको पता ही है कि AC कैबिन के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। और इसके कॉस्टिंग का आपको पता है कि इसकी कॉस्टिंग है जो हम वीडियोस में रिवील नहीं करते। हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर 9872037100 के ऊपर इसकी सारी क्वेरीज होती हैं। तो आपको बता दें कि बहुत ही शानदार लग रहा है। जैसे कि आपने पिछली वीडियोज़ देखी है हमारी, उसमें ट्रैक्टर महिंद्रा की जिस दिन लॉन्चिंग हुई थी उसकी पूरी कम्प्लीट वीडियो डाली हुई है, काफ़ी सारे चैनल्स पर अपलोड की हुई है। बाकी गोल्ड स्टार समाना के चैनल के ऊपर रील्स वगैरह सब अपलोड की हुई हैं। तो आपको दिखा दें कि ये सामान है जो हम ट्रैक्टर के ऊपर से रिमूव करते हैं। तो आप इस सबसे पहले ये देखिए, इसके मड गार्ड वगैरह रिमूव कर दिए जाते हैं और एक्सेसरी जो भी इसकी जो फुट रेस्ट वगैरह होता है, पायदान बोलते हैं जिसको, वो वाला सामान इसका उतार दिया जाता है। उसके बाद जो AC कैबिन इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो इसका AC कैबिन इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। और आपको एक और बात बता दें कि दूसरा सरप्राइज ये है कि गोल्ड स्टार समाना ने एक ट्रैक्टर के ऊपर AC कैबिन लगाना एक दिन में जो इनकी कमिटमेंट थी, लेकिन आज जो देख रहे हो आप 50-75 जॉनडियर भी सेम डे आया हुआ है। वो 50-75 ई है जो CRD ट्रैक्टर है, इसके ऊपर भी AC कैबिन सेम डे, जैसे कि आप देख सकते हो पहले आपने देखा था अर्जुन महिंद्रा के ऊपर AC कैबिन लगाने की जो प्रोसेस चल रहा है, और इधर 50-75 के ऊपर भी AC कैबिन इंस्टॉल करने का जो काम प्रॉपरली चल रहा है। प्लेटफॉर्म वगैरह आपको वीडियोज़ में हमने पहले भी दिखा दिया है। बाकी इसके जो फीचर्स है, फीचर्स आपको बता दें कि प्रॉपर AC और हीटिंग कोयल वगैरह, और इसमें ड्राइविंग जो सीट होती है, ड्राइवर सीट जो मैकेनिकल सस्पेंशन वाली दी है, तो टॉप मॉडल कैबिन जो इंस्टॉल हो रहे हैं इसके ऊपर। बाकी वीडियोस हमारे चैनल्स के ऊपर अपलोड करी पड़ी हैं जिसमें हमने जो इसका रिपर के ऊपर ट्रैक्टर चल रहा है, और जो कंप्यूटर वाला लेज़र करा होता है, लेज़र लैंड लेवलर के ऊपर भी चल रहा है, तो वो सभी वीडियोस हमारी अपलोड की हुई हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो इनका लुक है ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं ट्रैक्टर के, क्योंकि कुछ तो ये ट्रैक्टर के जो फोर व्हील ड्राइव होने के कारण इनके जो फ्रंट टायर हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और रियर टायर भी बड़े होते हैं, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा लगता है ट्रैक्टर, और बाकी कैबिन के साथ बहुत भरा भरा सा लगता है। तो हाँ जी दोस्तों, जो इस तरफ महिंद्रा 655 DI आप देख रहे हैं, जब ये रेडी हो जाएगा तो कस्टमर के साथ आपकी बात करवाएंगे। तो हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आपको बताया था कि महिंद्रा नोवो 655 DI हमारे पास पहुंचा था, तो ऑलमोस्ट कैबिन का इस पे काम रेडी है। तो इसका जो फिनिशिंग है, इसका जो जैसे कि हम कहें रबिंग एंड बफिंग वगैरह का काम, वो चल रहा है। तो हमारे साथ कस्टमर मौजूद हैं, हमसे पूछते हैं कि उनका कहाँ से वो पहुँचे हमारे साथ, उनको कैसे हमारे बारे में पता चला, और हमारा जो कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं और उन जो हमारे वर्कर लेबर हैं उनका बिहेवियर कैसा रहा उनके साथ, तो कैसा उनका सफ़र रहा, तो उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यही कहूँगा कि पंजाबी में कंफर्टेबल होंगे भाई साहब, क्योंकि हम पंजाब से हैं, तो भाई थोड़ा कोऑपरेट करना। भाई सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। भाई थोड़ा नाम? अमरीक सिंह। अमरीक सिंह जी, वीरे कितों तुसीं? मोगा डिस्ट्रिक्ट तो, पिंड चड़ेका जी। पिंड चड़ेक ते मोगा डिस्ट्रिक्ट। सो वीरे सब तो पहला थोड़ा यही पुछांगे भी गोल्ड स्टार बारे, देखो जिन्ने अपने को कस्टमर आते है ना, किसी कोई सोशल मीडिया के थ्रू है अपना अटैच है, कोई अपने जिहड़ा पहला अपनी कंपनी काम करती है वो थ्रू पुराने कस्टमर ने, सो तुसी गोल्ड स्टार नाल किवें जुड़े वीरे? मैं सोशल मीडिया से देखा सीगा कि इन्हां दी वीडियो देखी सी कि AC कैबिन इन्होंने लॉन्च किया जदों जॉन्डियर ते लाउणा स्टार्ट किया सीगा, फिर मैं PAU दे विच मेले दे विच प्रदर्शनी ते भी देखा सीगा। लुधियाने भी तुसी पहुंचे सी? सो उस तो बाद बई जे है ना, आप ट्रैक्टर की जो स्टार्टिंग की है नोवो की, पहला ट्रैक्टर है अपने को जो अर्जुन नोवो है, सो कितने ना कितने है ना आप वेट कर रहे थे ये चीज़ की भी यार जो नोवो तो कैबिन लगेगा भी आप उदो। मैं जो नोवो लिया भी सीगा ये सोचा सीगा कि कैबिन लगवाना है, तो पर जो मैं पहला गोल्ड स्टार समाना जॉन्डियर से ही कैबिन की फिटिंग करते थे, तो मैं कॉल्स वगैरह कीतियाँ थी उदों लॉन्चिंग नहीं सी हुई, पर मैं वेटिंग भी की उस चीज़ लिए कि लगवाना भी गोल्ड स्टार तो है, क्योंकि क्वालिटी वधिया गी ते बिल्ड क्वालिटी है वधिया। तो मैं एक आप गल होर पुछदे वीर, मन के चलो भी गोल्ड स्टार समाना का जिहड़े कैबिन वाले फील्ड दे विच उतरे है ना लेटेस्ट ही है, इस तो पहला जो चलो काफ़ी फर्मा ने जो AC कैबिन दे विच डील कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल बंदा डील कर रहे ना,
ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੀ ਕੈਬਨ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸੀ ਕੈਬਨ 'ਚ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਫਰਮਸ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੈਬਨ ਸਟਾਈਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗਾੜ ਟਾਈਪ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਇਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਨੋਵੋ ਅਤੇ ਏਸੀ ਕੈਬਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਸਟਮਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਪੂਰਾ ਤੱਤਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨ ਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਜੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੋਵੋ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਏ ਸੀ ਕੈਬਨ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹੋਈ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁੜੀ ਵਾਲੇ ਰੀਪਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਪਜ਼ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਏ, ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਜ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਥੇ ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਿਲਤੇ ਹੈਂ ਆਪਕੋ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਮੇਂ। ਅਗਰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਏਸੀ ਕੈਬਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਤੋ 9872037100 ਹਮਾਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਸਭੀ ਚੈਨਲਸ ਪੇ ਹਮ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਸਮਾਨਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਹਮਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਵਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਹਮੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਤੋ ਚਲੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਤੇ ਹੈਂ ਆਪਕੋ ਨੈਕਸਟ ਟਰੈਕਟਰ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਨਏ ਕਸਟਮਰ ਕੇ ਸਾਥ, ਤਬ ਤੱਕ ਹਮੇ ਦੀਜੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।